राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज आधी रात से पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर वैट में 4% की कटौती की घोषणा की, जिससे राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमत लगभग 2.5 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। पेट्रोल पर वैट 30 से घटाकर 26% और डीजल पर 22 से कम करके 18% हो जाएगा। राजे ने हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में आयोजित एक सार्वजनिक राज्य यात्रा के हिस्से के रूप में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में इसकी घोषणा की। इस फैसले से सरकारी खजाने में 2000 करोड़ रुपए की कमी होगी, लेकिन लोगों को पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर की राहत मिलेगी। श्रीमती राजे ने घोषणा के बाद रावतसर में संवाददाताओं से कहा, हमने डीजल और पेट्रोल पर वैट को कम करने का फैसला किया है, जो राज्य के लोगों को बड़ी राहत प्रदान करेगा, चाहे वे किसान या महिला हो या अन्य कोई भी हो। गौरतलब है कि इससे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें रविवार को नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसका सबसे बड़ा कारण डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। आपको यह भी बता दें कि विपक्षी दल कांग्रेस ने सोमवार को ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और रुपए के गिरते मूल्य को लेकर देश भर में बंद का आह्वान किया है।